एपिसोड 7 चोट। अविनाश तुम कहां हो? बाहर निकलो। जिराज निया को लेकर गांव के किनारे एक लकड़ी के घर की तरफ जाता है। जिराज की आवाज सुनकर एक आदमी बाहर आता है। वो बाकी लोगों से छोटा दिखाई दे रहा था। उसके फेस पर भी कोई टैटूज नहीं थे और वो काफी शांत था। क्या हुआ? अविनाश दरवाजे पर आता है और उसकी नजर जिराज के हाथ में निया पर जाती है। क्या इस लड़की को चोट लगी है? इसे अभी अंदर लेकर आओ। जिराज बिना कुछ बोले निया को अंदर लेकर जाता है। जंगल के उस डॉक्टर का घर दूसरे पशु मानवों से काफी बड़ा था। उसके घर में दवाइयों की महक फैली हुई थी। निया अपनी नाक सिकुड़ती है क्योंकि उसे किचन से बू आती है। इस कारण उसके फेस पर लगी कुछ मिट्टी नीचे गिर जाती है। अविनाश निया को देखता है। क्या इसके चेहरे पर चोट आई है? क्या इसे मक्खी ने काट लिया है इसलिए तुमने इसके फेस पर मिट्टी लगाई है? नहीं, इसका पैर देखो। जिराज निया को नीचे बैठाता है, फिर उसका पैर ऊपर उठाकर अविनाश को दिखाता है। अविनाश नीचे झुककर देखता है और फिर बोलता है, इसे तो मोच आई है। पहले मैं इसके पैरों की नसों को ठीक करने में मदद करता हूं। जिराज दुखी था और वो निया को कंफर्ट दे रहा था। वो निया का मिट्टी लगा फेस पकड़ता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, अविनाश ने वैद्य बनने की पढ़ाई पशु नगर से की है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। फिर अविनाश निया के शूलेस खींचते हुए बोलता है, ये क्या है? मैं तुम्हारे पैरों की मालिश करूंगा तो क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूं? अविनाश की बात सुनकर निया खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगती है और फिर मुस्कुराते हुए झुककर अपने जूते उतारती है। हाँ, तुम उतार सकते हो। जैसे ही निया अपने जूते उतारती है, लगता है रूम से सांसों की आवाज आना बंद हो जाती है। निया को लगता है कि अचानक रूम का माहौल बदल गया है और ऊपर देखती है, अविनाश उसके पैरों की तरफ देख रहा था और जिराज की आंखें भी बड़ी हो गई थी। ये देखकर निया थोड़ा डर जाती है। ओ नो, क्या उसके पैरों ने उसे पकड़वा दिया? क्या बीस्टमैन के पैर ऐसे ही होते हैं? उसे पता नहीं था क्योंकि उसने कभी लड़कियों के पैर नोटिस नहीं किए थे। डर के मारे उसे लग रहा था कि कहीं उसके दिल की धड़कन रुक ना जाए। तभी उसे अविनाश की आवाज सुनाई देती है, कितने सुंदर पैर हैं। निया कुछ नहीं बोल पा रही थी लेकिन अंदर ही अंदर उसने राहत की सांस ली। निया के पैर गोरे और पतले थे और जिराज के बड़े हाथों के नीचे वो छोटे और मुलायम दिखाई दे रहे थे। अविनाश की आवाज सुनते ही जिराज गुस्से से बोला, अब अगर फिर तुमने उसके पैरों को देखा तो मैं तुम्हारा सर काटूंगा, जल्दी से पैर ठीक करो। उसका रिएक्शन गलत है ये सोचकर अविनाश उठता है और वहां से चला जाता है। फिर वो अपने हाथ में कुछ लेकर आता है। जिंजर? निया कंफ्यूज थी। उसके पैर को ठीक करने के लिए ये आदमी अदरक यूज करेगा? तुम्हें पता है ये क्या है? अविनाश निया की तरफ देखकर बोलता है। तब निया पूछती है, तुम्हें जिंजर का मतलब पता है? तुम इंग्लिश बोलते हो? अविनाश बोला, हां, मैं शहर से पढ़ के आया हूं और यह अदरक जैसा दिखता है पर इसे पीली जड़ कहते हैं और इसे ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने के काम में लेते हैं। अब मैं इससे तुम्हारे पैर की मालिश करूंगा। अविनाश छोटे चाकू से जिंजर की रूट को छीलता है और फिर उसे निया के पैर पर रगड़ता है। ये साफ जिंजर ही है। ये कितने अजीब लोग हैं, मसालों को ये खाने की जगह मेडिसिन में यूज करते हैं, निया मन में सोचती है। एपिसोड 8 मसाले या दवाइयां। जिंजर से उसकी स्किन पर
ठंडा एहसास आ रहा था, जो ठीक होने के बजाय और धीरे धीरे दर्द कर रहा था। अविनाश जिंजर को नीचे रख देता है और जोर से उसके पैर रब करने लगता है। फिर निया को स्किन पर कुछ गर्म सा लगता है, शायद ये काम कर रहा था। जिराज काफी देर से अविनाश को देख रहा था, लेकिन अब उससे रहा नहीं गया और उसने अविनाश को अलग करके बोला, ये मैं करता हूं। अविनाश को ये अच्छा नहीं लगता है और वो बोलता है, तुम्हें पता नहीं है कि ये कैसे करना है, कहीं तुमने उसे घायल कर दिया तो। जिराज थोड़ा हिचकिचाता है और फिर बोलता है, तुम सिखाओ मुझे। अविनाश अच्छा आदमी था, लेकिन इस समय वो थोड़ा जिद्दी था। वो बिना कुछ बोले जिराज को देख रहा था। निया ने जिराज का हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग लड़ो मत, ये मैं खुद ही कर लूंगी। जिराज फिर उसका हाथ पकड़ लेता है, हिलो मत। ये देखकर अविनाश से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, ध्यान से। अविनाश निया का पैर पकड़कर मसाज करता है और फिर हर मूव को देखकर जिराज मसाज करने लगता है। जिराज को डर लगता है कि वो कहीं निया को और चोट ना पहुंचा दे, इसलिए वो अविनाश से भी कम ताकत का इस्तेमाल करता है। वो निया को बड़े ध्यान से देखता है और हर थोड़ी देर में उससे पूछता है कि उसे दर्द तो नहीं हो रहा है। निया को लगा कि यहां उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए जब तक वो उसे हर्ट ना करे, इसलिए जब भी जिराज उससे पूछता है वो यही कहती है कि मैं ठीक हूं। कुछ देर मसाज करने के बाद जिराज बोला, अब कुछ और भी करना है क्या? अविनाश ने कहा, कल इसकी हालत पर निर्भर करता है, जब भी तुम्हें समय मिले ये पीली जड़ी बूटी ले आना और उसकी मालिश करना। ठीक है, जिराज जवाब देता है। वो लोग निकल ही रहे थे कि वहां रखी ओखली को देखने के लिए निया मोच वाले पैर पर खड़ी हो जाती है। जैसा कि उसने सोचा था, वहां पर और भी कई मसाले रखे थे। वहां पर गार्लिक, जिंजर, चक्रफूल, फेनल, सिनेमन और रेड कैप्सिकम भी थे। वहां और भी कई मसाले होंगे जिन्हें निया नहीं जानती थी। निया ने मन में सोचा कि वो इस टेस्टलेस खाने से थक गई है और इन मसालों से खाना टेस्टी हो जाएगा। फिर निया ने स्माइल करते हुए पूछा, अविनाश, ये मेडिकल हर्ब्स कहाँ मिलती हैं? अब तक उसके मुंह पर लगी मिट्टी लगभग निकल चुकी थी और अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। ये सवाल सुनकर अविनाश बहुत खुश हो जाता है और फिर बिना हिचकिचाए वो बोलता है, अगर तुम चाहो तो इन्हें ले जा सकती हो। निया ने खुश होकर पूछा, सच? क्या इन्हें लाना इतना मुश्किल है? अगली बार जब तुम इन्हें लेने जाओ तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? अविनाश दोनों हाथ हिलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। निया उन दोनों के बीच में खड़ी थी। जिराज गुस्से से कभी निया को देखता था तो कभी अविनाश को, और फिर वो बोला, इसे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी ये बोल चुकी है कि ये सिर्फ मुझे ही अपना साथी बनाएगी। ऐसा क्या? अविनाश की आवाज में जलन दिख रही थी। फिर निया को जो मसाले चाहिए थे वो वहां से ले लेती है। मुझे ये चाहिए। अविनाश उनको रखने के लिए तुरंत ही सूखे पत्ते लेकर आता है। वो पत्ते भी हवा में सुखाए हुए थे क्योंकि उन्हें भी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उन्हें फोल्ड भी कर दो तो वे टूटते नहीं थे। अविनाश सूखी मिर्ची उठाते हुए बोला, दूसरी मेडिसिनल हर्ब्स इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इस वाली को ध्यान से पकड़ना, इसे ओली कहते हैं। इसे अपने हाथ से टच मत करना, अगर ये आंख में चली गई तो बहुत दर्द होगा। निया ने उसके हाथ से पैकेट लेते हुए कहा, मुझे पता है। फिर वो जिराज के साथ जाने से पहले उसे थैंक्स बोलती है। जिराज की जलन साफ दिखाई दे रही थी।